असा कदे लाउड स्पीकर लगा के इश्तहार छाप के हिंदू नूं इह गल आखदिआं नहीं सुनिया कि हिंदुआं दे मुंडे हिंदू बन जाओ। सिखी गुलदस्ता समझदे ने हिंदू दे घर जन्मे यज्ञो पवित कर दिता ते गल च जन्यू पा दिता एवें रहन नहीं दिता ते हिंदू बन गया गल खत्म हो गई। कदे ईसाइयां दे पादरी ने कदे नहीं इह गल आखी कि ईसाई बन जाओ। मुसलमान इह गल नहीं आंदे भी मुसलमान बन जाओ। असीं आने भी साड़ी आने वाली जनरेशन जिहड़ी है और नवी पीढ़ी के नौजवानों तुसीं गुरु वाले बन जाओ। क्या जी बात है, असी किन्ना चिर भुले रहे भी गुरु वाले बने नहीं तां ही गुरु वाले बनना है ना। अपने आप की घाट नूं महसूस करिए भई जे असी ये घाट ना पैण देंदे तां इस नारे की लोड़ नहीं सी पैणी। बाकी दुनिया ने ध्यान रखिए अपनी अपनी कौम च उन्होंने घाटा पैण नहीं दिता। जरा तुसी अपनियां गवांढी कौमां वल वेख लो, जेड़े नगर विच कोई एक घर ईसाइयां दा सी अज उत्थे घट्टो घट्ट 10-20 घर ने, 100-100 घर वी। हर पिंड विच उन्हां दी आबादी च ईसा नगर वखरा बन गया। ये सारे नवे ईसाई इधरों बन के गए ने ना, भावें मजहबी सिखां चों बन गए भावें दूजियां तीजियां चों बन गए पर बने ते आए ने। जमांदरू ईसाई इत्थे है नहीं सी कोई भी। इसे तरह मुसलमानां दी आबादी वधी पर साड़ी आबादी घटी है। ये कई सारे कारण, एक तो असा इनू इतना औखा कर दिता है कि आदमी घाबर जाता है कि मैं अमृत छक के इन पाबंदियां पाल सकां। भई जे तू अमृत छक लिया ना तो सिखा घर जा के रोटी वक्री खाई, कितने बेअमृता न्याणा तेरी थाली नू हाथ ना ला दे कि वह अमृत छकन तो भी डर जाता। फिर जब बाल बच्चा मार ला पहला तो ही अमृत छकाना। ये अन्याणे तो मैं घरों क्ढन रहा, अन्याणा तो भावें मैनू घरों कढ़ दे। वो भाई अमृत कोई एडी कच्ची बात नहीं कि जे एक बहुत बालक जड़ा है वो तुहाड़ी रोटी नू हाथ ला दिंदा ते तुहाड़ी रोटी चो तुहानू अमृत तुहाड़े अंदरों खंडन हो गया। अमृत ते जिंदगी नू अमर करन दा नां है। इस तरह दियां पाबंदियां लगा के असी इनू इतना औखा बना दिता है कि किसी बंदे नू आखो आंदा यार साल कोर ठहर जा मेरे कोल पाबंदियां नहीं पूरियां होणियां। कोई पाबंदियां की चर्चा जे ना करिए तो जो कुछ गुरु महाराज ने आख्या सिर्फ उन्ना ही आख छड़िए अपने कोलों कुछ ना गांडा लाइए फिर गल बन जाएगी। असा अपने कोलों गांडे लाए ने बड़े सिखी असी जो बहुतियां पाबंदियां कोलों लाने ना उदों भी गल बिगड़ जाती। सिख जगत में अजे तक खाण पीन का विरोध तुरिया हुंदा। मैं समझना इनू जिन्ना औखा कर दोगे उन्हें लोग ये तो भज जाण। अपने कोलों कोई गांडा ना लाइए। जो कुछ गुरु महाराज ने किया रहन दी ते ना साडे कोल को अख्तियार ही है भी वह असी कोई वाधा घाटा कर सकीए। जे असी बाणी की किसी लग मात्र अपनी मर्जी नाल नहीं लिख मिटा सकते तो फिर गुरु की बनाई मर्यादा असी किवें तोड़ के वध घट कर दें। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ा वड्डा इकट्ठ बुला लिया